वेलकम टू अमर क्लासेस गाइस सो आज हम क्लास ट्वेल्व का फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ठीक है ना तो so, गाइज़ देखो यार इसमें जैसा है मैं बताऊंगा थ्योरी पर डिस्कस करूंगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा ठीक है ना जैसे मैं सारा करते आया हूँ सो so, गाइज ध्यान देकर करना एंड नोट्स बनाना ठीक है चलो हम देखेंगे ठीक है ना तो डेफिनेशन क्या है देखते हैं चलो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है फॉर एनी नंबर ए वन बी वन ए टू बी टू द डिटर्मिनेंट दिस इज डिनोटेड बाय ऐसा होगा देखो ये जगह ये चारों नंबर दिया हुआ है ए वन बी वन ए टू बी टू तो उसका तो हम लोग इसको अरेंज ऐसे करेंगे एंड इसका वैल्यू क्या होगा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वॉट ए वन बी वन मीन्स वॉट देखो ये दोनों मल्टीप्लाइड हुआ है ए वन बी वन माइनस साइन होगा फिर ए टू बी टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ठीक है तो ये तुम्हारा तो क्या हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू हुआ ठीक है तो देखो अब आगे देखते हैं इट इज डिनोटेड बाई देखो कोई भी डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं आइदर दिस और डिट डेट ए और दिस ए सिम्बल ठीक है तो तुम्हें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं ठीक है ना तो गाइज ये थ्योरी है पूरा अच्छे से देखो ठीक है दिस इज न्यू फॉर यू ठीक है गाइज ये टोटली तुम्हारे लिए न्यू है क्योंकि ये तुम पहले पढ़े नहीं हो अब देखो इफ इज इक्वल्स टू देखो इफ इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स ना मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट सो वी डिनोट मैट्रिक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड डिटर्मिनेंट बिटवीन पैरेलल लाइंस ठीक है एज पैरेलल लाइंस सो देखो यार इफ ए इज एल्स टू दिस मींस वॉट दिया हुआ मैट्रिक्स है ये देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज देखो अब ए का डिटर्मिनेंट अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने बोला तुम कैसे निकालोगे ये दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट एज वी सी हियर ठीक है सो so, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखो ये और कंटेंट मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो सब सेम ही रहेगा ए बी सी डी ठीक है बट और उसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं डेट ए हियर लाइक हियर ठीक है D, A, here, like here, समझ में आ रहा अब इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो दिस इज द मैथड ए वन बी वन माइनस ए टू बी टू मीन्स वॉट यू हैल्टीप्लाई दिस टू सब्ट्रैक्ट सिंपल ठीक है समझ में आ रहा ना अब देखो कुछ रिमार्क्स है इसके ऊपर डिटर्मिनेंट के ऊपर फॉर मैट्रिक्स ए मोड ऑफ ए नहीं समझ में आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस दिस इज इज टू बी रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए क्लियरली ठीक है तो क्या बोल रहा है कि अगर एक तुम्हारा मैट्रिक्स है तो तुम उसको ये जो पढ़ोगे ना ये सिंबल को इसको कैसे पढ़ोगे ए डिनोशन को कैसे पढ़ोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए समझ में आ रहा है ना मॉड इज डिफरेंट एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है अब तो क्या बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट मींस व्हाट तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तुम डिटरमिनेंट निकाल पाओगे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है नंबर ऑफ रोथ एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है मीन्स वॉट देखो अगर तुम ऑर्डर देखते हो कोई भी मैट्रिक्स का तो दिस शुड बी सेम एम एम क्रॉस होता है ना एंड एम शुड बी इक्वल्स टू एंड फोर ठीक है ना तुम डिटर्मिनेंट जिसका फाइंड कर पाओगे क्लियरली तो चलो तो आगे अब देखते हैं सो so गाइस देखो यार अभी हमारा नेक्स्ट क्या है देखो नोट not. एक नोट है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू बट मैट्रिक्स डू नॉट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है तो तुम जो 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 सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा बट अगर मैट्रिक्स सॉल्व करोगे तो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आंसर निकलेगा ठीक है बट डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू निकलता है न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है वन टू थ्री जो भी न्यूमेरिकल ठीक है अब जो तो यार नेक्स्ट क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर वन ठीक है कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन दिया हुआ है तो उसका तुम डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढोगे देखो इफ ए इज इक्वल्स टू ए ही एलिमेंट है ए वन वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ठीक है ना क्योंकि a1 क्रॉस 1 है क्लियर है देन डिटरमिनेंट ऑफ a देन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वही एलिमेंट a11 क्लियर है अब देखो तो नेक्स्ट क्या है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ठीक है ना अगर ऑर्डर 2 बोल रहा है मींस व्हाट नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है दो है ठीक तो है इफ़ a इज इक्व टू वन 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 टू देखो हम लोग यहाँ पे लिए एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है ठीक है ना जिसका ऑर्डर क्या है टू क्रॉस टू है क्लियर है ये दिख रहा है कि टू क्रॉस टू है नंबर ऑफ रोज इज टू एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज ऑल्सो टू सो इट इज मैट्रिक्स टू ठीक हैेंट क्या होगा ए वन वन ए टू जो अंदर में एलिमेंट है सेम एलिमेंट रहेगा बट विथ पैरेलल साइन ठीक है ना दिस साइन दिस डिनोशन ठीक है और इसको वैल्यू हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं मीन्स वॉट you have to solve like this a one on this two product of this two minus product of this two ठीक है ये दोनों को multiply करोगे यहाँ पे लिखोगे फिर minus end दो फिर ये दोनों को multiply करके लिखोगे ठीक है clear है अब क्या करेंगे determinant of order three पढ़ेंगे एक सोकाइस ठीक है of order three तो सोईस देखो यार अभी क्या है determinant of square matrix of order three ठीक है ना हम लोग and two देख चुके हैं ठीक है ना अब देखो order three देखने का है अब क्या बोलते इफ ए टू दिस मैट्रिक्स यू कैन सी दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कॉस दिस इज दिस मैट्रिक्स इज हैविंग थ्री एंड थ्री कॉलम्स ठीक है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड फर्स्ट थ्री कॉलम्स ठीक है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे लाइक दिस ठीक है ए द एलिमेंट जो कि यहाँ पे है वो, वो सेम एलिमेंट रहेगा एंड ए वन ए टू ठीक है उसका अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं ठीक है देखो अब क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट देखो दिस सिंबल इज फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है तो इसमें क्या करने का देखो ए वन हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट रो से तुम कोई भी रो या कॉलम से ऑपरेट कर सकते हो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट रो से ऑपरेट कर रहे हैं मीन्स दिस रो से हम लोग क्या कर रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं ठीक है ना ये फर्स्ट रो से तो देखो क्या हुआ ए वन वन ठीक है ना ए वन वन अगर तुम ये रो से फाइंड कर रहे हो तो ये फर्स्ट एलिमेंट लोगे जब ये फर्स्ट एलिमेंट लोगे ना तो ये इसका रोज एंड इसका कॉलम्स को छोड़ दोगे बाकी जो बचा वो रहेगा तुम्हारा इससे ठीक है जैसे ए वन वन जो बच गया वो तुम्हारा ये डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में ठीक है या पैरल लाइन्स में माइनस देखो यहाँ पर माइनस साइन दिया हो माइनस एन क्यों दिया मैं बताऊँगा ठीक है ए वन टू अब देखो अब तुम्हें ये देखना है ना अब तुम्हें क्या देखना है ए वन टू देखने का है ठीक है मैं बता रहा हूँ अब ए वन टू देखोगे तो क्या देखोगे तुम्हारे पास ये था अब देखो यार तुम अगर ये एलिमेंट देखोगे ना ए वन टू तो ये वन टू का रो एंड कॉलम को तुम छोड़ दोगे ठीक है ना ये ए वन टू का रो क्या है ये रो है एंड कॉलम क्या है ए वन टू का ये कॉलम है ठीक है तो बचा क्या बचा जो बचा वो चीज़ यहाँ पर रहेगा ठीक है ना देखो ए टू ए टू वन बचा ए टू वन ए टू थ्री बचा ए टू थ्री ए थ्री वन बचा ए थ्री वन एंड ए थ्री थ्री बचा ए थ्री थ्री ओके ठीक है ना ऐसे करने का अब जैसे ये रो अगर देखेंगे थर्ड अब देखो हम लोग फर्स्ट रो से करें ना तो फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट को देखना पड़ेगा तो अब ए वन थ्री देखेंगे और ये प्लस साइन है यहाँ पे देखो मैं बताऊँगा साइन का क्या मैटर है ठीक है अब देखो ए वन थ्री क्या होगा तो ये देखो ए वन थ्री किस रो में इस रो में एंड किस कॉलम में इस कॉलम में तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ो बाकी जो बचा ये चीज़ ठीक है ना हमारे पास क्या बचा है ए वन थ्री के लिए ये बचा ए टू वन देखो ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू क्लियर है ठीक है अब देखो अब जो नॉर्मली तुम टू क्रॉस टू मैट्रिक्स में ऑर्डर टू का सॉल्व किया हो डिटर्मिनेंट ये ऑर्डर टू का आ गया ऑर्डर टू का क्या करते थे हम लोग दिस दिस माइनस दिस दिस ठीक है तो ये रहा फिर क्या कि इसका हम वैल्यू निकालें तो ए टू टू इंटू एट थ्री थ्री एंड माइनस सिंबल ए थ्री टू एंड ए थ्री ए टू थ्री ठीक है क्लियर है सिमिलरली ये भी माइनस एंड रहा है ए वन टू अब देखो इसका इसका वैल्यू क्या होगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू दिख रहा है तुम्हें तो ये जगह तुम्हारा क्या ए टू वन इंटू एट थ्री थ्री माइनस दो गे एंड ए थ्री वन एंड ए टू थ्री ठीक है क्लियरली सिमिलरली लाइक दिस दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एंड माइनस इन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्लियर है आप इसको क्या करोगे सॉल्व कर दोगे ठीक है अब देखो यार एक इम्पोर्टेंट नोट है ठीक है ना तुम्हारे पास क्या है इम्पोर्टेंट नोट क्या बोल रहे हैं कि वी कैन एक्सपांड अ गिवन डिटर्मिनेंट बाय द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स एंड एंडक्ट साइन एज दिस बोल क्या रहा है कि तुम जो एक्सपांड कर देखो ये तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपांड किया ठीक है जो ये डिटर्मिनेंट इसका जो मैं डिटर्मिनेंट निकाला फर्स्ट रो को एक्सपांड करके निकाला तो तुम कोई भी रो या कॉलम यूज कर सकते हो ठीक है ना तुम कोई भी रो कॉलम तुम इससे भी कर सकते हो ये कॉलम से भी कर सकते हो ये कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हो ठीक है ना और क्या बोल रहा है एंड साइन एज दिस तो जो तुम्हारा प्रिफिक्स साइन होगा ना मतलब तुम जो कॉलम या मैट्रिक से करोगे तुम्हारा प्रिफिक्स साइन ये होना चाहिए बोले तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग क्या करना सिस्टमेटिकली नोट uh, करना ठीक है नोटेशन शुड बी करेक्ट अब देखो कैसे करना कोई भी रो एंड कॉलम से करोगे तो तुम्हें मिटा दे रहा हूँ ये चीज मिटा रहा हूँ समझा रहा हूँ ठीक है तो ये देखो कोई भी रो या कॉलम से एक्सपांड करोगे तो तुम्हें साइन क्या देखना है ये देखना है मैं बता रहा हूँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अगर तुम फर्स्ट रो से कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट रो से किया था इसलिए मेरा पहला प्लस था दूसरा माइनस था देखो पहला प्लस ये देखो ये फर्स्ट रो अगर तुम फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हो तो तुम साइन ये लोगे मीन्स वॉट देखो पहला क्या हुआ प्लस हुआ ये देखो ये साइन क्या था प्लस में लिए थे ना हम लोग प्लस में लिए थे एंड दूसरा जो होगा माइनस में होगा देखो ये चीज़ माइनस में लिए थे एंड तीसरा प्लस में था देखो तीस प्लस में था ना तो तुम कोई भी रो या कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो कोई भी रो या कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो एज योर विश बट साइन क्या करना है ये देखना है तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा एंड दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज मैंडेटरी ऑल्सो ठीक है समझ में आ रहा है ना तो अब देखो यार अब क्या करते हैं चलो आगे बढ़ते सो so सुखाई अभी हम यहाँ देखेंगे क्या वर्किंग रूल ठीक है ना हम लोग जो अभी ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री ये सब का देख रहे थे तो उसका वर्किंग रूल क्या बोलता है स्पेशली फॉर ऑर्डर थ्री ठीक है ना देखो यू में मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑर्डर क्या फर्स्ट रिमार्क क्या बोल रहा है फर्स्ट वर्किंग क्या बोल रहा है यू में मल्टीप्लाई बाय द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम तुम जब डिटर्मिनेंट ढूंढोगे तो तुम कोई भी रो एंड कॉलम ले सकते हो ठीक है ना बट अब अब टू क्या बोल रहा है देखो मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम यू हैव चोजन बाय द सब डिटर्मिनेंट ऑबटेन बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइफ टेक साइंस ऑफ प्रोडक्ट एज पर द रूल गिवन बिलो ठीक है ना तुम कोई भी रो तो अगर तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है या तुम कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ e, 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 e है तुम्हें सॉल्व करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एलिमेंट्स है ठीक है डिटर्मिनेंट का तो तुम अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे ना तो तुम कोई भी रो या कॉलम से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो बट वॉट तुम जो भी करोगे ठीक है ना हम सपोज तुम चूज़ किए ये सपोज तुम ये चूज किए ये थर्ड रोड से तुम्हें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मीन्स वॉट अगर तुम जी एलिमेंट लोगे तो जी का रोज एंड कॉलम डिलीट करोगे जी का रोज एंड कॉलम डिलीट करोगे ठीक है ये रो डिलीट हुआ ये कॉलम डिलीट हुआ जी का अब बाकी जो बच गया उसको सॉल्व करके लिखोगे ठीक है ना तो जी विल बी और कॉफिशियंट मीन्स बाहर होगा एंड फिर उसके बाद क्या होगा बी सी जो बच गया बी सी ई एफ ठीक है जैसे मैं अभी बताया था ऑर्डर थ्री में ये मेरे जस्ट वर्किंग रूल है कि कैसे करते हैं सारा क्वेश्चन ठीक है ना ये थ्योरी थ्योरी ठीक है ना अब जी एच के लिए जाओगे तो एच का रोज एंड कॉलम डिलीट करो एच का रोज एंड कॉलम डिलीट करो बाकी जो बच गया उसको लिखो ठीक है ना अंडर दिस और और सुनो तुम्हें साइन फॉलो करना है मीन्स वर्ट अगर तुम थर्ड रो कर रहे हो तो ये थर्ड रो का साइन देखना पड़ेगा मीन्स अगर तुम जी के लिए लोगे तो जी के लिए प्लस एच के लिए तो एच के लिए माइनस लेना पड़ेगा माइनस एच यहाँ पे माइनस एच लोगे फिर ओ जो बच गया एलिमेंट ए सी डी एफ ठीक है क्लियर है वैसे करके तुम सॉल्व करोगे सारा ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं सो so गाइज यार अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग जो पढ़े हैं ना जो भी हम लोग डेफिनेशन देखे या थ्योरी देखे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ठीक है देखो तो क्या बोल रहा है कि इवेलू द डिटर्मिनेंट दिस दिस इज ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू एंड दिस इज ऑफ वॉटर थ्री क्वेश्चन ठीक है ना जैसे दिख रहा है तुम्हें ऑर्डर कैसे है यार तुम मैट्रिक्स में देखो ऑर्डर में मैं कैसे बताया था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ काउंट करो पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं ऑर्डर में एंड नंबर ऑफ कॉलम उसके बाद लिखते हैं मल्टीप्लाई ठीक है सपोर्ज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री और जितना भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है बाकी किसी का नहीं होता है क्लियर है समझ में तो अब चलो इसका ढूंढते हैं अब अगर हम लोग इसका सपोज देखो डिटर्मिनंट का हम लोग डिनोट कैसे करते हैं तुम तो अगर कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली एक ट्राइंगल डिनोट कर सकते हो जो कि डिटर्मिनेंट का डिनोशन होता है हमें बताया था ठीक है तो वन माइनस थ्री एंड फोर एंड टू है ये क्या है टू क्रॉस टू का है हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे दिस इंटू दिस मीन्स वन इंटू टू फिर माइनस सिंबल दोगे फिर दिस इंटू दिस मीन्स फोर इंटू माइनस थ्री क्लियर है अब इसको सॉल्व कर दो अब इसको क्या करोगे सॉल्व कर दोगे तो ये क्या वन इंटू टू हुआ माइनस देखो माइनस फोर इंटू माइनस थ्री मींस माइनस माइनस प्लस हो गया फोर थ्री जो ट्वेल्व क्लियर है तो ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन तो इसका वैल्यू क्या निकला इक्वल्स टू फोर्टीन निकला क्लियर है अब क्या करेंगे चलो अब हम लोग क्या करेंगे ऑर्डर थ्री का करेंगे ठीक है ये चीज समझ में आना इसको अच्छे से नोट कर लेना अब चलो ऑर्डर थ्री का करते हैं यार ऑर्डर थ्री का जैसे मैं बताया तुम कोई भी रो या कॉलम से तो ऑपरेट कर सकते हो बट साइन तुम्हें ये याद रखना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है ये चीज़ अगर मैं अगर मैं चलो मैं पहले दिखाता हूँ मैं दिखा दूंगा कि दोनों में सेम आता है चलो ठीक है तो चलो यार इसका इसका निकालते हैं अब उसको डेल वन ले लेना ले इसको ये ट्राइंगल टू ले लेना या डेल टू ले लेना ठीक है तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या हो जाएगा वन थ्री माइनस टू फोर वन माइनस वन एंड फाइव माइनस थ्री टू ठीक है मैं तुम्हें पूरा अच्छे से दे क्लियरली बता रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप करके ठीक है देखो यार अगर तुम मैं अगर मैं फ़र्स्ट रो से लेना चाहूँ अगर मैं फ़र्स्ट रो से लेना चाहूँ तो मेरे को साइन ये देखना पड़ेगा फर्स्ट रो के लिए साइन ये देखना पड़ेगा तुम फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हो ठीक है ना तो चलो फर्स्ट वो सॉल्व करते हैं तो पहला क्या प्लस है तो तुम वन को लोगे ठीक है ना वन लोगे बाकी वन का जितना भी रोज एंड कॉलम है ना उसको डिलीट कर दोगे वन का रोज एंड मतलब ये कॉलम एंड रोज में क्या किया डिलीट कर दिया बाकी जो बचा लिख दो बाकी क्या बचा बाकी जो बचा उसको इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे वन माइनस वन माइनस थ्री एंड टू देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा मैं क्लियर है अब तुम थ्री देखोगे समझ में आ रहा है ना अब थ्री देखोगे तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ थ्री के लिए दिखाऊंगा अब तो वन के लिए तो हो गया ठीक है हम लोग रोज में कर रहे हैं फर्स्ट रो में तो रो का एलिमेंट देखेंगे क्लियर है ना अब चलो देखो अब मैं थ्री देखूंगा तो थ्री का रोज एंड कॉलम डिलीट करोगे थ्री का रो थ्री किस रो, रो में है इस रो में, रो में तो थ्री का ये रो डिलीट होगा एंड कौन सा कॉलम डिलीट होगा ये कॉलम डिलीट होगा बाकी जो बच गया लिखेगा और साइन क्या होगा देखो ये सेकंड एलिमेंट है ना सेकंड एलिमेंट के लिए साइन क्या होगा माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस थ्री फिर डिटर्मिनेंट साइन जो बच गया क्या बच गया फोर माइनस वन एंड फाइव एंड टू क्लियर है अब देखो क्या प्लस साइन है तो प्लस इन टू माइनस टू प्लस इंटू माइनस टू क्लियर है कंफ्यूज नहीं होने का साइन प्लस देने का है बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट रहेगा रहेगा ठीक है, रहे है, है? वही लिखने का तो चलो इसको मिटा देता हूँ मैं तो अब देखो यार माइनस टू का रो तो यही है माइनस टू का तो रो तो यही है ना रो यही है ना अब क्या कॉलम चेंज होगा कॉलम कौन सा होगा थर्ड कॉलम होगा ठीक है ना तो माइनस टू के लिए कौन सा तो कॉलम है स्टूडेंट ये कॉलम है ये कॉलम तो ये कॉलम को क्या करोगे डिलीट कर दोगे जो बच्चा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो फोर वन फोर वन फाइव माइनस थ्री तो फाइव माइनस थ्री क्लियर है ठीक है अब इसको सॉल्व कर दो यार ये तो टू क्रॉस टू का आ गया ना तो वन इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्या होता है वन इंटू टू हो गया देखो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो टू इंटू वन टू हो गया फिर माइनस साइन देते हैं फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं माइनस एन देते हैं ऑलरेडी होता है ठीक है ना और फिर बाकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन क्या आया थ्री आया कहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना माइनस इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस वन ठीक है ना माइनस थ्री इंटू माइनस वन क्या आया माइनस माइनस प्लस हो गया एंड थ्री इंटू वन थ्री हो गया ठीक है ना इसलिए थ्री यहाँ पर आया और माइनस एन पहले से होता है था फार्मूला में ठीक है क्लियर है ना अब देखो अब अब यहाँ पर गया माइनस थ्री है फिर आप उसको सॉल्व करोगे सिमिलरली फोर इंटू टू क्या हुआ एट हुआ माइनस एन दो गए फिर फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव हुआ क्लियर है अब देखो क्या है तुम्हारा प्लस इंटू माइनस देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस हो गया माइनस टू फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा देखो तुम्हारा फोर इंटू माइनस थ्री फोर इंटू माइनस थ्री क्या हुआ माइनस ट्वेल्व हो गया ठीक है माइनस ट्वेल्व हो गया अब क्या होगा माइनस एन दो गए फाइव इंटू वन फाइव हुआ अब क्या करोगे स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दो ठीक है ना अब इसको क्या करोगे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा देखो थ्री टू माइनस थ्री क्या हुआ टू माइनस थ्री क्या हुआ वन इंटू माइनस वन क्लियर है माइनस थ्री इंटू एट माइनस माइनस प्लस तो एट प्लस फाइव देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर एट प्लस फाइव क्या हो जाएगा थर्टीन ठीक है फिर माइनस टू दोगे फिर क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस टूवेल्व माइनस फाइव मीनस माइनस सेवनटीन अब इसको क्या करोगे सॉल्व कर दोगे अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ ठीक है ये मैं मिटा दे रहा हूँ ये तुम नोट कर लेना अच्छा था ठीक है अब देखो ये जो आया इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ठीक है अब देखो क्या आया वन इंटू माइनस वन वन इंटू माइनस वन क्या है तुम्हारा आंसर माइनस वन है फिर माइनस थ्री इंटू देखो थर्टीन थ्री जहाँ थर्टी नाइन होता है तो माइनस थर्टी नाइन क्लियर है फिर माइनस टू इंटू माइनस सेवेंटीन तो माइनस माइनस प्लस हुआ सेवनटीन टू जो थर्टी फोर आप सॉल्व कर दो यार इसको क्लियरली दिख रहा है तुम्हें तो देखो ये दोनों क्या है माइनस में आया तो माइनस वन माइनस थर्टी नाइन माइनस फोर्टी हुआ माइनस फोर्टी प्लस थर्टी फो देख लीजिए क्वेश्चन माइनस सिक्स ठीक है तो तुम्हारा आंसर क्या है माइनस सिक्स आया तो इसका वैल्यू तो क्या आंतर मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया तुम्हारा माइनस सिक्स आया तो स्टूडेंट जैसा भी क्वेश्चन आया ऑर्डर टू आया ऑर्डर थ्री आए तुम लोग ऐसे ही करने का तो देखो यार इसका आंसर क्या आया माइनस सिक्स आया ना ठीक है अब तुम यार मैं मैं इसका देखो मैं क्या किया था ये फर्स्ट रो से ऑपरेट किया तुम कोई भी रो या कॉलम से ऑपरेट कर सकते हो बट साइन में ध्यान रखने का साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा करके जाना है यहाँ तक स्टॉप कर यहाँ प्लस से स्टार्ट करोगे यहाँ पर प्लस से खत्म करोगे ठीक है अगर तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम होगा तो या तुम देख सकते हो कि ये डायगनल वाला सारा प्लस है बाकी जो बच गया वो माइनस है तो ये डायगनल ये डायगनल सारा प्लस है बाकी जो बच गया माइनस है ठीक है थिका? तुम्हें कैसे भी याद कर सकते हो यार ठीक है तो तुम्हें कोई भी रो एंड कॉलम से ऑपरेट कर सकते हो ठीक है ना तुम्हारे इस रो से भी आंसर सेम ही आएगा यार डिटर्मिनेट का तुम ये रो से भी करोगे सेम आएगा ये कॉलम से भी करोगे सेम आएगा अगर ये कॉलम से कर रहे हो तो ये थर्ड कॉलम को देखने का एंड उसको साइन ये साइन के हिसाब से करने का ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे मैं क्या क्या हूं? और एक क्वेश्चन लिया हूँ ठीक है क्या है क्वेश्चन देखो इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट ठीक है ये निटर्मिनेंट का सिंबल है डिनोशन है डिनोटेड हमें बताया हूँ देखो थ्योरी में फर्स्ट में तो यार तुम कोई भी रो या कॉलम से कर सकते हो चलो करते हैं तो लिखोगे आंसर ठीक है एक्सपैंड एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन ठीक है गाइज एक्सपांडिंग थ्रू रो वन हम लोग रो वन से एक्सपांड कर रहे हैं सो so वाट तुम्हें साइन क्या ध्यान देना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं प्लस माइनस प्लस ठीक है क्लियर है ये साइन मेरे को फर्स्ट रो से करना आई विल सी दिस ठीक है तो यार पहला प्लस होगा मीन्स वाट जीरो ठीक है तुम्हें जीरो देखो ये कर रहा हूँ ना तो ये देखो जो एलिमेंट लोगे उसका रोज एंड कॉलम डिलीट करना बाकी जो बच गया उसको ये अंडर ये लिख दो डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो मीन्स जीरो साइन बेटा फिर तुम्हारा माइनस साइन बेटा देखो अगर ये जीरो करोगे तो ये और ये डिलीट हो गया बाकी ये बचा देखो बचा भी क्या है अभी ये बचा हुआ है ना जो बचा है देखो ये मैं फर्स्ट रो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देख रहा हूँ तो ये 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 कॉल रोड डिलीट किया ये कॉलम डिलीट किया बच गया ये तो उसको मैं डिटर्मिनेट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ठीक है क्लियर है अब नेक्स्ट क्या है देखो माइनस एन देने का अपन को माइनस एन देने का साइन अल्फा क्लियर है फिर डिटर्न सिंबल में अब देखो यार कौन सा एलिमेंट को लेने का अपन को अभी देखो अगर साइन अल्फा ले रहे हो तो तुम्हारा ये रो एंड ये कॉलम डिलीट हुआ कॉस दिस इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ठीक है अगर ये क्या प्रेजेंट है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो डिलीट होगा सेकेंड कॉलम डिलीट होगा बाकी जो बच गया क्या माइनस एंड आल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्लियर है कॉस अल्फा एंड जीरो क्लियर है ना क्लियर है स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर करो डाउट पूछो अगर है तो कमेंट करो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए यार कर दो वी शुड हेल्प ईच अदर ठीक है साइन योर बिट्टा ठीक है अब देखो थर्ड रो अगर थर्ड रो एंड मीनस वॉट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम देखोगे तो मीन्स वॉट तुम्हारा प्लस आएगा देखो प्लस सिंबल देने का अपन को प्लस सिंबल देखने का क्योंकि पर प्लस है तो प्लस दिया अब देखो क्या है एलिमेंट माइनस कॉस आल्फा कॉस तो अल्फा लिखा फिर डिटर्मेंट फॉर्म में कौन सा होगा देखो यार ये इस रोड को डिलीट करो एंड ये जिस कॉलम में उसको डिलीट करो तो इस रो दिस रू एंड दिस कॉलम डिलीटेड बच गया क्या ये बच गया तो ये बच गया इसको डिटर्मेंट फॉर्म लिख दो माइनस साइन अल्फा ठीक है जीरो कॉस अल्फा एंड माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा क्लियर है क्लियर है स्टूडेंट अब सोल्व कर दो यार नॉर्मल है तो यार देखो ये टोटली जीरो हो जाएगा जीरो इंटू जीरो टोटली जीरो हो जाएगा तो डायरेक्टली तुम इसको क्या करोगे जीरो ठीक है अब देखोग माइनस साइन अल्फा तो आप देखो माइनस साइन अल्फा लिखोगे माइनस साइन आल्फा अब इसको सॉल्व करो दिस इंटू दिस समथिंग इंटू जीरो जीरो माइनस साइन दोगे कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा तो कॉस अल्फा साइन बीटा क्लियर है फिर वैसे प्लस इंटू माइनस क्या हुआ ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ माइनस कॉस आल्फा क्लियर है अब इसका तुम लिखोगे माइनस जीरो क्लियर है देखो कॉस अल्फा इंटू जीरो जीरो हो गया क्लियर है ना स्टूडेंट अब देखो यार अब देखो क्या होगा आगे, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यार देखो अब क्या है जीरो माइनस तीस तो ये तो देखो जीरो माइनस तीस तो ये तो डायरेक्टली माइनस जो बच गया वही है ठीक है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ठीक है और साइन अल्फा इसमें मल्टीप्लाई करने का अपन को तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा ठीक है अब देखो तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस है तो माइनस साइन अल्फा में उसी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ साइन अल्फा को पहले लिख रहा हूँ फिर कॉस अल्फा लिख रहा हूँ एंड देन साइन बीटा लिख रहा हूँ ठीक है देखो यहाँ साइन अल्फा भी है कॉस अल्फा भी है साइन बीटा भी है ठीक है बट माइनस साइन में होगा और ये माइनस जीरो तो हर ये तो हट जाएगा ना माइनस जीरो है लास्ट में देखो तो कुछ फाइल है तो कुछ वैल्यू नहीं है तो अब देखो यार ये प्लस में है ये माइनस है प्लस वन माइनस वन क्या होता है स्टूडेंट जीरो कट जाता है वैसे ये भी कट जाएगा यहाँ साइन अल्फा है यहाँ भी साइन अल्फा है कॉस अल्फा है कॉस अल्फा है, है साइन बीटा है साइन बीटा तो डायरेक्टली कट दिस टू ठीक है दिस विल गिव यू जीरो क्या देगा जीरो तो आंसर इस क्या है इसका इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस का आंसर क्या है जीरो है? है? है ठीक है सोन समझ में आ रहा ना तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं सो गाइज यहाँ पे हम क्या किए और एक क्वेश्चन लिए क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस डिटर्मिनेंट टू दिस डिटर्मिनेंट देखो यार दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दे दिया है हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में एक्स ढूंढेंगे ठीक है तो देखो यार ये डिटर्मिनेट ये क्या टू प्लस टू का है हमें पता है ना ए बी सी डी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दिस इंटू दिस मीन्स वॉट ए डी माइनस बी सी करते हैं ठीक है हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं ए डी माइनस बी सी तो करते क्या या? this this करते है यार दिस इंटू दिस करते हैं ना तो टू इंटू वन टू फिर माइनस साइन देते हैं फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स फाइव फोर जो ट्वेंटी अब इसका ए डिटर्मिनट का वैल्यू ये आया ठीक है ना अब इधी क्वेश्चन तो इधी क्वेश्चन लिखने का फिर ये सॉल्व करने का ठीक है अब ये दोनों सॉल्व कैसे होगा देखो यार दिस टू दिस मीन्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन दो गे. एन सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर होता है हमको पता है ठीक है अब देखो यार x के लिए सॉल्व कर दो नॉर्मल बड़ा इजी क्वेश्चन है यार देखो टू इन टू माइनस ट्वेंटी क्या होता है माइनस एटीन होता है टू एक्स क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है ये हमारा नेक्स्ट मतलब ये हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट होगा ठीक है इसके बाद तो तुम यार जो बताया उसको पूरा क्लियरली रखो कुछ भी समझ में नहीं आता पूछो मेरे साथ चलो यार यू विल बी टॉप ठीक है मतलब सारा क्वेश्चन कर पाओगे ठीक है तो देखो यार अब क्या क्या एक्सक्वेयर के लिए सॉल्व करना मीस एक्स को अकेले छोड़ना पड़ेगा तो टू एक्सक्वेयर को मैं पॉजिटिव छोड़ता हूँ तो टू एक्सक्वर को मैं पॉजिटिव छोड़ता हूँ तो देखो अगर इसको पॉजिटिव छोड़ने के लिए मुझे इसको उधर भेजना पड़ेगा तो देखो यार तुम कैसे भी लिख सकते हो ठीक है ना देखो ये माइनस देखो ये माइनस एटीन इधर ऑलरेडी है माइनस एन माइनस एटीन पहले से है और ये माइनस ट्वेंटी फोर उधर जाएगा तो प्लस ट्वेंटी फोर ठीक है ठीक है समझ में ना कंफ्यूज नहीं होने का देखो टू एक्सक्र को पॉजिटिव किया हो ना तो तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा ठीक है तो अब देखो यार टू एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू माइनस अच्छा मैं टू को उधर ले जाऊंगा डिवाइड कर दूंगा तो ये जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा एटीन प्लस सिक्स तो सिक्स बाई टू इसका आंसर सिक्स आया ये टू उधर जाके डिवाइड हुआ क्लियर है टू थ्री जा सिक्स तो हमारा क्या आया एक्स स्क्वायेर इज इक्वल टू थ्री हमें वैल्यू किसका चाहिए अपन को एक्स का चाहिए ठीक है, है तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू थ्री आया तो एक्स इज टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट थ्री ठीक है ठीक है स्टूडेंट समझ में आया कैसे करने का इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया ऐसा वाला है या ऐसे करने का ठीक है तुम्हें नॉर्मली बेसिक चीज बता दिया हूँ कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है ठीके? तो वही चीज़ अच्छे से देखो बोझो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम लोग के लिए ठीक so है सो क्या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज जितना है वो हम सब सारा डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज जितना बताया हूँ अभी जितना बताया हूँ ठीक है सारा समझ में आया होगा अच्छा ये डिटर्मिनेट से पहले मैट्रिक्स देख लोगे मैं मैट्रिक्स वीडियो में बना चुका हूँ सारा पूरा क्लियर कर दिया ठीक है ना पूरा जितना था क्लास ट्वेल्व का मैं सारा बता चुका हूँ तो वो देख लेना तो चलो ठीक है बाय